नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं जिशान आपके साथ और आप देख रहे हैं बुलेटिन खबर दोपहर। और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने 2 दर्जन FIR दर्ज कर लिए है, जबकि 200 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बड़े अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर इस पूरे मामले में हाई लेवल की मीटिंग हो रही थी। और कल जिस तरह से हमने देखा कि कैसे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, वो पहुंच जाते हैं लाल किला के प्राचीर पर और वहां पर किस तरह से उपद्रवियों का हंगामा देखा जाता है। लेकिन अब इस समय की बड़ी खबर दिखा रहे हैं, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा FIR दर्ज किए हैं। और सीधा रुख करेंगे इस पूरे मामले में जानकारी लेने के लिए अपने सहयोगी अमर का, जो हमारे साथ लाइव दिल्ली से जुड़ रहे। अमर, पूरी जानकारी चाहिए। कल जिस तरह से हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को भी दिखाई, किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन करे कृषि कानून को लेकर किसान लाल किला के प्राचीर तक जा पहुंचते हैं, लेकिन अब जो बड़ी खबर है कि दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है, 2 दर्जन FIR दर्ज कर लिए गए, पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस या फिर कह सकते हैं कि IB और गृह मंत्रालय, गृह सचिव जो हैं, उनकी एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि आखिर कौन कौन से लोग इसमें थे, उनकी मंशा क्या थी, क्या सही मायने में वो किसान थे या फिर किसान के भीड़ में जो है कोई बाहर के लोग जो है एंट्री किया था। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस छान रही है। कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया है और भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी और भी FIR दर्ज किए जा सकते हैं उन लोगों के ऊपर जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। कल आपने देखा, तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 155 पुलिसकर्मी जो हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनको चोट लगी है और उसके बाद उनका इलाज चल रहा है। 3 ऐसे हैं जो ICU में भर्ती हैं, उनको ज़्यादा चोट लगी है, जिनको ICU में भर्ती करवाया गया है। तकरीबन 30 लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया, लेकिन हमारे सोर्सों से ये बताएंगे कि 50 से ऊपर और ये संख्या और भी बढ़ सकती है FIR की जो लोगों के ऊपर किया गया है। सवाल उठता है कि जिस तरह से पुलिस कर्मियों को पीटा गया और जिस तरह से उन लोगों ने काम किया, ये एक कह सकते हैं कि पहले से भी लोग ये कह रहे थे कि इसके बीच में, किसानों के बीच में जो है कुछ गलत लोग और सामाजिक तत्व लोग घुसे हुए हैं, वही उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया। अगर आप दिल्ली को देखें, बैरिकेड को देखें या फिर दिल्ली की गाड़ियां को अगर देखें, बसों को देखें, जो उन्हें रोकने के लिए जहां तक उनको परमिशन था वहीं तक, वहीं रुक जाने के लिए जब उनको रोका गया था, तब उन लोगों ने इस तरह का हरकत किया है। पुलिस तैनात है और जिन लोगों को चोट लगा है वो भी चाहते हैं कि अपनी बात जो है सड़कों पर आके कहें, शांतिपूर्वक कहें। लेकिन वही है कि गृह मंत्रालय, अब जो है ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री को इस बात की सूचना देगी, जानकारी देगी कि आखिर कल किन किन जिन जिन लोगों के ऊपर और जिन लोगों ने इस तरह का काम किया उनके ऊपर जो है कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। आज दिल्ली पुलिस ने लाल किला का और उसके बाद पूरे दिल्ली का जो मेट्रो है, तमाम जगहों का जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहाँ पर पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। अब उन लोगों को खोजा जा रहा है जिन लोगों ने कल बदमाशियां की, जो झंडे उतारने की कोशिश किया था, जो दूसरा झंडा फहराने का वहां पर प्रयत्न किया था। इन तमाम लोगों के ऊपर FIR दर्ज है और उसको अरेस्टिंग किया जाएगा। कुछ उपद्रवियों के कारनामे की बात सामने आ रही, तो क्या ऐसी कोई सूचना आपको मिली है कि किसान संगठनों की तरफ से इन उपद्रवियों की पहचान या इनके नाम की किसी तरह से सूची पुलिस को दी गई है? अमर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, हमारी आवाज फिलहाल हमारे सहयोगी तक नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से उनसे जुड़ेंगे और तमाम जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन कल की जो ये तस्वीरें थी, काफी भयावह तस्वीर थी। लगातार किसान कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन तो कर ही रहे, लेकिन कल जो तस्वीर निकलकर सामने आई कि लाल किला के प्राचीर तक, ऐसा कहा भी जा रहा है किसान संगठन की तरफ से कि कुछ असामाजिक तत्व हमारे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए थे। और कल जिस तरह से हमने देखा कि लाल किले की प्राचीर तक कुछ जो उपद्रवी है वो पहुंच जाते हैं, वहां पर हंगामा किया जाता है, पुलिस के साथ इनकी भिड़ंत हो जाती है, कई पुलिस वाले इस दौरान घायल भी हो गए हैं। मीटिंग लगातार इस पूरे मामले पर भी हो रही है, अधिकारियों के साथ गृह मंत्री की बैठक,
उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि जो उपद्रवी है उन्हें सख्ती के साथ निपटने का उन्होंने निर्देश दिया था। तो अधिकारियों के साथ गृहमंत्री की हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। कल जो हिंसा का रूप देखा गया, उपद्रवियों का जो कल रूप देखा गया लाल किले के प्राचीर से, बेहद ही शर्मनाक अपने आप में। हालांकि कृषि कानून को लेकर इसके विरोध में लगातार किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। कल ट्रैक्टर मार्च था किसान संगठनों का, लेकिन इस दौरान काफी ज्यादा उपद्रवी जो है वो उपद्रव मचाते नजर आते हैं। और हम फिर से जुड़ेंगे अपने सहयोगी अमर से, जो हमारे साथ लाइव दिल्ली से बने हुए हैं। अमर, आपसे वही जानकारी हम हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार असामाजिक तत्वों की बात सामने आ रही थी। किसान संगठनों ने भी कहा कि हमारे इस आंदोलन में कुछ जो उपद्रवी है, कुछ असामाजिक तत्वों के लोग हैं, वो शामिल हो गए हैं। क्या ऐसी कोई सूची, ऐसी कोई सूचना पुलिस को इन किसान संगठनों की तरफ से दी गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिन लोगों ने कल लाल किला के प्राचीर पर जा कर के झंडा उतारने की कोशिश किया था, उनका उन्होंने बायकॉट किया है किसान संगठनों ने, क्योंकि वो लोग जब वहाँ पे पहुँचे थे सिंधु बॉर्डर पर, तो उन्हें उस जगह से हटाया गया, भगाया गया। उसके बाद देखिए, ये एक कह सकते हैं कि आपको या फिर हमारे संविधान जो है आपको प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर आप उपद्रव मचाते हैं या फिर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये आपके लिए आपके ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह का भी मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि आपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ भी आपने लाल किला पर जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश किया था और किया है, वो भी एक जो है संगीन मामला है। और ऐसे में जो लोग जो आप किसान के साथ सहानुभूति दिखा रहे थे, अब उनके मन में भी किसान के प्रति जो है द्वेष हो गया है कि आखिर उन्होंने जो किया और जो पूरा दिल्ली जो देखा है उस पर प्रति जो है एक नाराज़गी है। दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो सुरक्षा व्यवस्था में जो चूक हुई है या फिर जिस तरह से भीड़ ने दिल्ली पुलिस के ऊपर अटैक किया था, उनके ऊपर भी FIR, लगभग 30 लोगों के ऊपर जो है FIR अभी तक दर्ज कर लिया गया है। ये संख्या बढ़ सकता है, लगातार ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि CCTV फुटेज की बात करें या फिर आप जो कैमरा में जो TV चैनलों में जो चल रहा है उनकी उनका भी सलाह लिया जा रहा है, उनसे भी फुटेज मांगी जा रही है कि आप फुटेज दीजिए और जिसमें उपद्रवकारियों ने उपद्रव मचाया था। तो ये तमाम, मैं इस वक्त ITO पे हूँ, दिल्ली मुख्यालय हमारे जस्ट बगल में है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने जो रैलियों में आए हुए थे ट्रैक्टर रैलियों के द्वारा यहाँ पर किया था, सारे बैरिकेड को तोड़ दिया गया, उसके बाद जो है जो पुलिस की गाड़ियां थी उसको तोड़ा गया, उसको शीशे तोड़ दिए गए। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको सुबह तक जो है वो गाड़ियां यहां पर खड़ी थी, रास्ते जाम थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे हटाया है। जिन लोगों को चोट लगी है पुलिस कर्मियों को, वो लोग भी चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करें, लोगों को बताएं कि देखिए ये जो प्रोटेस्ट था वो क्या था और हमारे ऊपर किस तरह से उन्होंने जानलेवा हमला किया था। अमर, सवाल फिर से वही खड़े होते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से तो प्रोटेस्ट करने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन कल जिस तरह से उपद्रव देखा गया, गृह मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटा जाए। बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर, और क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, अभी उनके अंदर है, वहीं से संचालित होता है, तो ऐसे में गृह मंत्रालय का या गृह मंत्री का एक विशेष दायित्व बनता है कि वो कल जो हुआ पूरे देश में, अगर आपने देखा या फिर लोगों ने देखा कि किस तरह से किसान ने या फिर किसानों के बीच में जिस तरह से जो असामाजिक तत्व घुसे हुए थे, जो आज किसान भी वो कह रहे हैं, क्योंकि 2 बजे उनकी मीटिंग होनी है, हो रही है, उसमें भी उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व है और हमारे लोग उसमें नहीं थे। अब आपके भीड़ में या फिर उस तरह के जो काम जो जिस चीज़ को अंजाम दिया गया, वो किसी समाज में या फिर किसी भी लॉ एंड ऑर्डर में कहें या फिर किसी कानून में जो है उसका कोई स्थान नहीं है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो एक 15 CRPF के जो बटालियन है उसको डिपुट किया गया दिल्ली में एक्स्ट्रा, और लाल किला की प्राचीर में अगर आप जाइएगा तो फिर सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दिया गया है। आज पर्यटन मंत्री वहां पर पहुंचे थे जायजा लेने के लिए, आखिर नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि सभी शीशा तोड़ दिए गए हैं, जो टिकट घर था उसको तोड़ दिया गया, जो बैरिकेड थे उसको तोड़ा गया, और जहां पर आप जाकर के सुरक्षा जांच की जो बैरिकेड लगे, तो सारा चीज़ को वहां से तहस नहस किया गया है। तो अब
अब पुलिस का काम है और पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि उन तमाम लोगों को चिन्हित किया और उसके ऊपर FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और गृह मंत्रालय की जो मीटिंग थी वो भी समाप्त हो गया है। गृह मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है कि उन तमाम लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जो लोगों के ऊपर, खास करके पुलिसों के ऊपर अटैक किया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका अमर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी अमर जो कि दिल्ली से इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है, तो कल जिस तरह से हिंसा का एक रूप देखा गया, अब ये कहा जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग किसानों के इस आंदोलन में, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।